नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मामला धार्मिक कम राजनीतिक ज्यादा हो गया है और अब लगने लगा है कि बीजेपी ने 2024 लोकसभा को लेकर ये सब रचा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो विवाद नहीं होता। उन्हीं विवादों में एक विवाद है शंकराचार्यों को ना बुलाना। इसी को लेकर मोदी पर उमा भारती ने बड़ा हमला बोला है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होना है और इसी को लेकर बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि राम मंदिर वही बनवा रही है और राम का वनवास वही खत्म कर रही है। ऐसे में अगर देश की जनता 2024 में फिर से जिताकर भेजते हैं तो उनको और भी फायदा होने वाला है। लेकिन इसी राम मंदिर को लेकर विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि धार्मिक आधार पर यह गलत है और कई त्रुटियां हैं, लेकिन मोदी हैं कि मानते ही नहीं हैं। और इसी को लेकर चारों शंकराचार्य विरोध पर हैं, लेकिन दो का मानना आगे पीछे का है तो दो खुलकर विरोध कर रहे हैं। उसी को लेकर उमा भारती ने मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है और कहा है कि मोदी की हिम्मत नहीं कि शंकराचार्यों का अपमान करें। राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली उमा भारती यही नहीं रुकी और आगे कहा कि शंकराचार्य जी का अपमान करना भगवान का अपमान करने जैसा है। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद इस धरती के सबसे प्रकांड विद्वान हैं, ऐसे में उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है और क्यों। आप जानते हैं कि उमा भारती टिट फॉर टैट करती हैं और उसी का नतीजा है कि उन्होंने पीएम मोदी की जमकर आलोचना की और कहा कि शंकराचार्यों का सम्मान के साथ बुलाना चाहिए। सुनिए पूरी बात। परम तृप्ति का विषय है, 500 साल के संघर्ष की इस परिणति में हमें भी भागीदारी का मौका मिला अंत में, ये मेरे लिए परमानंद का विषय है, मेरे पुरखों को तारने वाला विषय है। लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी आई हैं जिनसे मेरा मन बहुत खिन्न हुआ। जैसे हमारे पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज ने यदि कुछ कहा है तो वो इसलिए क्योंकि भगवत पाद आदि शंकर ने जो वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की थी वो शास्त्रार्थ के जरिए की थी, भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय राजनीतिक तंत्र में और भारतीय सामाजिक तंत्र में शास्त्रार्थ का बहुत सम्मान हुआ है असहमति का, इसलिए उसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और निश्चलानंद जी महाराज का मजाक बनाना, उनको चुनौती देना, उनको नीचा दिखाना, ये बिल्कुल हमारे अहंकार का सूचक है। राम भक्त ने, राम ने सबसे पहली बात यही कही है कि अहंकार से मुक्त होकर के, भगवान राम ने परशुराम के सामने जिस प्रकार से बात की थी उसी ढंग से बात होनी चाहिए। और मैं माननीय शंकराचार्य जी से, निश्चलानंद जी महाराज से निवेदन करूंगी कि आपने खुद कहा है कि आपको निमंत्रण मिला है तो आप आइए ना, हम लोग कितना संघर्ष किए हैं 500 साल से और अब आपके आशीर्वाद से सब अच्छा हो रहा है, सारा गुस्सा थूक दीजिए और आप आइए। बाकी वैधानिकता में यदि कोई कमी है तो चुपचाप बता दीजिए आप, वो भी ठीक कर ली जाएगी, लेकिन कोई कमी है नहीं, लेकिन आप आइए जरूर, मैं ये कहूँगी। शंकराचार्य जी का जो बयान उसके साथ जोड़ दिया, मैं बहुत गलत किया, मुझको बहुत दुख है, दुख हुआ। खास करके पुरी के जो महाराज हैं ना वो बिल्कुल राजनीतिक नहीं है और वो भारतीय वांग्मय के इस समय इस भूमंडल के सबसे बड़े विद्वान हैं। और आपको ये भूलना नहीं है कि वो परंपरा ही शास्त्रार्थ की है, मंडन मिश्र के साथ आदि शंकर ने पहला शास्त्रार्थ किया था तो वो परंपरा शास्त्रार्थों की है और उसी के जरिए उन्होंने धर्म की रक्षा की है। प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाले शंकराचार्यों का कहना है कि अयोध्या में शास्त्रों का विरोध हो रहा है, राम मंदिर अभी अधूरा है और प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, इसकी क्या जल्दी है, आज हमारे पास मौका है कि हम अच्छे से बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करें। और इसी बात को हम कह रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हम मोदी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर से उत्तर भारत की लोकसभा सीट अपने नाम करना चाहती है, इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले आधा अधूरा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रही है। और इसी को लेकर देश में राजनीति जारी है और इसी को लेकर लग रहा है कि अब मोदी बैकफुट पर हैं और अब यजमान के पद से पीछे हट गए हैं और अब प्राण प्रतिष्ठा की यजमानी अनिल मिश्रा करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी और मोदी सरकार गलत है और इसलिए विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार की ताकत के सामने मीडिया भी विरोध का कवरेज ना के बराबर कर रही है। लेकिन शंकराचार्यों की बात पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गई है, देखना होगा कि जिस लालच से मोदी ने यह सब स्वांग रचा है उसका फल जनता देती है या फिर नहीं।